भिंदवाड़ा ने 44 साल मुझे प्यार और विश्वास दिया है। मुझे इस बात का विश्वास है कोई आए कोई जाए ये विश्वास कायम रहे। कोई भी आ जाए फर्क नहीं पड़ता, ये बोल रहे हैं मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ। नमस्कार, स्वागत है आपका वीके न्यूज़ एमपी में। मैं हूं आपके साथ प्रवीण चौहान। आखिर क्यों कमलनाथ इतने कॉन्फिडेंस में नज़र आ रहे हैं? क्या कारण है कि जिसके कारण वो इतना बड़ा चैलेंज कर रहे हैं? क्या है खबर, आइए आपको बताते हैं। दरअसल 25 मार्च को केंद्रीय गृह मंत्री और भाजपा के चाणक्य अमित शाह छिंदवाड़ा आ रहे हैं। पिछले 44 सालों से छिंदवाड़ा कांग्रेस और कमलनाथ का गढ़ रहा है। अब बीजेपी और उसके दिग्गज नेताओं की नज़र कांग्रेस के बड़े नेताओं के गढ़ पर है, ताकि भाजपा वहां जीत सके और कांग्रेस और उसके नेताओं को पूरी तरह कमजोर किया जा सके, जिससे प्रदेश को एक संदेश भी दिया जाए। इसी को लेकर कमलनाथ से जब सवाल पूछा गया तो कमलनाथ ने क्या कहा, आप भी सुनिए। ये पिछले विधानसभा चुनाव में मोदी जी आए थे और सब सीटें हम कांग्रेस की जीते विधानसभा में, ये बात तो सच्चाई है ना, ये तो रिकॉर्ड की बात है। तो ये आ जाए, छिंदवाड़ा में चुनाव जनता और बीजेपी के बीच में होता है और जो छिंदवाड़ा ने 44 साल मुझे प्यार और विश्वास दिया है, मुझे इस बात का विश्वास है कोई आए कोई जाए ये विश्वास कायम रहे। तो सुना आपने कमलनाथ ने क्या कहा और आखिर क्यों इतने वो कॉन्फिडेंस में हैं? उन्हें अपने काम और छिंदवाड़ा की जनता पर पूरा भरोसा है। आखिर देखना यह है कि 25 मार्च को अमित शाह छिंदवाड़ा में अपना जादू चला पाते हैं या नहीं, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। फिलहाल खबर में इतना ही, बने रहिए वीके न्यूज एमपी के साथ। नमस्कार। वीके न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़, दिल बोलेगा देश सुनेगा।